प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंकुर के हर अंक में हम आपके लिए नई नई जानकारियां लेके आते हैं, तो इस बार भी आप सबकी विनीता दीदी आपके लिए एक नई जानकारी लेके आई है। जानकारी किसके बारे में? जानकारी बिटकॉइन के बारे में। इसे लिखा है आनंद दीवान ने, साभार नन्हे सम्राट, फरवरी 2018। हम सभी 2018 में प्रवेश कर चुके हैं और इस नए वर्ष की चर्चा में एक नया शब्द आपको अक्सर चर्चा में सुनने को मिल रहा होगा, बिटकॉइन। आखिर क्या बला है ये बिटकॉइन? आइए आज इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बिटकॉइन की चर्चा तो पिछले महीने ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस वर्ष तो इसका व्यवहारिक प्रयोग भी सुनने को और देखने को मिल रहा है। सरकार और नियामकों की तमाम चेतावनियों के बावजूद लोगों के बीच इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष 2008 में आई वित्तीय मंदी के बाद दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई थी। लगभग इसी समय के दौरान एक अनजान से शख्स संतोकी नाकामोटो ने बिटकॉइन की शुरुआत कर दी। विश्वास कीजिए कि सिर्फ शुरुआत करके वो शख्स फिर से गायब हो गया और अब उसकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। फिर भी उनकी बनाई गई बिटकॉइन आज धड़ल्ले से चल रही है और लगातार चर्चा में बनी हुई है। आज इससे जुड़े लोग ही इसका संचालन और क्रियान्वयन कर रहे हैं। हाल ही में एक खबर आई कि जापान की एक कंपनी ने तो अपने कर्मचारियों को वेतन का कुछ हिस्सा बिटकॉइन में देना शुरू कर दिया है। बिटकॉइन यानी कि आभासी मुद्रा असल में एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसे आप ई मुद्रा भी कह सकते हैं। इसका वजूद तभी तक है जब तक कि आप इंटरनेट से जुड़े हैं। बिना इंटरनेट के व्यवहार में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1000 लोगों को एक साथ बैठाकर एक मुश्किल सुडोक पहेली को हल करने को कहा। माना एक्स ने इसे सबसे पहले हल किया। एक्स को विजेता के रूप में एक बिटकॉइन दिया गया, जिसे उन 1000 लोगों के पेज पर साझा कर दिया गया और सबने मान लिया कि एक्स अब एक बिटकॉइन का मालिक है। यही सिलसिला चलता रहा और आज हजारों बिटकॉइन अस्तित्व में आ गए। इन बिटकॉइन का रुपया या मुद्रा के रूप में कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी कई लोगों ने इन बिटकॉइन को खरीदने के लिए नगद मुद्रा देना भी स्वीकार कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपना गोल्ड मेडल नीलाम करे और उसे कोई प्रशंसक खरीद ले। इस प्रकार बिटकॉइन की खरीद फरोख्त शुरू हो गई और इसने ई मुद्रा का रूप ले लिया। आज तो कई ई पोर्टलों ने भी बिटकॉइन से भुगतान लेना शुरू कर दिया है। अब बात आती है, बिटकॉइन का दाम कैसे तय होता है? दरअसल विनिमय के समय विक्रेता और खरीदार की आपसी सहमति पर इसका मूल्य निर्धारित होता है। बिटकॉइन और वास्तविक मुद्राओं के बीच एक अंतर ये भी है कि इसमें कोई केंद्रीयकृत बैंक नहीं है जो मुद्रा प्रिंट करे और उसके मूल्य का निर्धारण करे। लेन देन में आपूर्ति और मांग के माध्यम से बिटकॉइन के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। बिटकॉइन में न तो सोने के सिक्के की तरह संपत्ति ही होती है और न ही नोटों की तरह रिजर्व बैंक की गारंटी। इसलिए एक बार आपकी हार्ड डिस्क खराब हुई या आप पासवर्ड भूल गए तो आप बिटकॉइन को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। बिटकॉइन किसी देश की मुद्रा नहीं है और न ही किसी देश की ओर से इसे आधिकारिक मान्यता ही मिली है। इसकी कीमत सिर्फ इसी बात पर है कि इसके लाखों भागीदार इसे मान्यता देते हैं। जिस समय यह मान्यता खत्म हो जाएगी, बिटकॉइन भी खत्म हो जाएगी। इस समय बिटकॉइन की तरह इथोरियम, लाइटकॉइन, डैश आदि आभासी मुद्राएं भी प्रचलन में हैं, जिनकी शुरुआत बिटकॉइन की तरह ही हुई थी। इस प्रकार की कोई भी मुद्रा कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए इन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए।